नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक, वेलकम बैक टू K2K मोटो व्लॉग्स। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे आप सभी के फेवरेट टॉपिक टॉप 10 बेस्ट अपकमिंग बाइक्स के बारे में, जो 2021 में इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च होने वाली है। दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली ये सभी बाइक्स 2021 में मार्केट में आने वाली है। सो अगर आपको इन सभी बाइक्स के बारे में जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका किसी भी बाइक को लेके कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो यार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो दोस्तों टॉप 10 बेस्ट अपकमिंग बाइक्स की लिस्ट में सबसे पहली बाइक है टीवीएस की अपाचे आरटीआर 125। दोस्तों इस बाइक का नाम अपाचे आरटीआर 125 भी हो सकता है और फियरो 125 भी हो सकता है, और टीवीएस की तरफ से ये एक 125cc नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक होने वाली है, जो इंडियन टूलर मार्केट में होंडा एसपी 125 और बजाज पल्सर 125 के साथ कम्पीट करेगी। इस बाइक के अंदर 125cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कम्प्लायंट इंजन देखने को मिलेगा, जिसकी मैक्सिमम पावर होगी 12 PS के आसपास। मैक्सिमम टॉर्क होगा 11 Nm के आसपास विद 5-स्पीड ट्रांसमिशन। और दोस्तों इस बाइक के अंदर टीवीएस के एंटोर्क 125 के जैसे स्मार्ट एक्स कनेक्ट फीचर भी देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और नेविगेशन सिस्टम देखने को मिलता है, और साथ ही इस बाइक के अंदर टीवीएस का ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक फीचर भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों इस बाइक की माइलेज होगी 50-55 KMPL के आसपास, और इस बाइक का डिजाइन और स्टाइल काफी हद तक अपाचे आरटीआर 164V और 204V से सिमिलर रहने वाला है। ये बाइक उन्हीं दोनों बाइक से इंस्पायर्ड होगी, और दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली इस बाइक के अंदर हमें LED हेडलाइट, LED टेल लाइट और फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलेगा। सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर कन्वेंशनल टाइप के टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स देखने को मिलेंगे, रियर में एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन भी हो सकता है और ट्विन शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन भी हो सकते हैं। इस बाइक के अंदर फ्रंट में सिंगल डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी और रियर में ड्रम ब्रेक भी हो सकता है और डिस्क ब्रेक भी हो सकता है। और दोस्तों इस बाइक के अंदर हमें सिंगल चैनल ABS भी देखने को मिल सकता है, और अगर इस बाइक के अंदर ABS नहीं होगा तो डेफिनेटली इस बाइक के अंदर कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। और दोस्तों इस बाइक का एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम प्राइस है 90,000, और इस बाइक का एक्सपेक्टेड लॉन्च है जुलाई 2021। सो दोस्तों ये थी सबसे पहली बाइक अपाचे आरटीआर 125। अब हम बात करते हैं सेकंड बाइक के बारे में। दोस्तों सेकंड बाइक है बजाज पल्सर NS250। दोस्तों मार्केट में काफी सारे रूमर्स थे कि बजाज एक न्यू 250cc सेगमेंट की बाइक को मार्केट में लेके आएगी, लेकिन रिसेंटली ही बजाज की एक न्यू बाइक को इंडियन रोड्स पे स्पोर्ट किया गया है, जिसकी टेस्टिंग अभी चल रही है। और दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली ये बाइक NS250 होने वाली है, जिसका डिजाइन और स्टाइल काफी हद तक NS200 जैसा होगा, लेकिन दोस्तों ये बाइक NS200 से काफी ज्यादा मस्कुलर और काफी हैवी होने वाली है, और इस बाइक के अंदर NS200 से बेटर फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों 26 फरवरी को इस बाइक को इंडियन रोड्स पे स्पोर्ट किया गया है, और काफी मीडिया रिसोर्सेज का ये मानना है कि ये बाइक NS250 है। इंजन के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर हमें 250cc का ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कम्प्लायंट इंजन देखने को मिलेगा, जिसकी मैक्सिमम पावर होगी 26-28 PS के आसपास। मैक्सिमम टॉर्क होगा 24 Nm के आसपास विद 6-स्पीड ट्रांसमिशन। दोस्तों इस बाइक के अंदर कन्वेंशनल टाइप के टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स देखने को मिलेंगे, और रियर में एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन होगा। इस बाइक के अंदर फ्रंट और रियर में सिंगल डिस्क ब्रेक होगी विद स्टैंडर्ड डुअल चैनल ABS। दोस्तों ये बाइक NS200 से काफी हैवी बाइक होने वाली है, और इस बाइक के अंदर फ्रंट में LED हेडलाइट देखने को मिलेगी, LED टेल लाइट होगी, LED DRLs होंगे और फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी देखने को मिलेगा। दोस्तों इस बाइक का एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम प्राइस है 1,60,000, और इस बाइक का एक्सपेक्टेड लॉन्च है अक्टूबर 2021। इस बाइक का प्राइस डोमिना 250 से थोड़ा सा कम रखा जाएगा, क्योंकि डोमिना 250 के अंदर प्रीमियम अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स देखने को मिलते हैं, जो इस बाइक के अंदर नहीं होंगे। और दोस्तों इस बाइक का वेट भी डोमिना 250 से थोड़ा कम होगा, जिसकी वजह से इस बाइक का पावर टू वेट रेशियो डोमिना 250 से थोड़ा सा बेटर होगा, और परफॉर्मेंस के मामले में ये बाइक डोमिना 250 से थोड़ी सी बेटर होगी। सो दोस्तों ये थी सेकंड नंबर पे बजाज पल्सर NS250। अब हम बात करते हैं थर्ड बाइक के बारे में। दोस्तों थर्ड नंबर पे है बेनेली 302S। दोस्तों बेनेली की 302S इंटरनेशनल टूलर मार्केट में काफ़ी टाइम से अवेलेबल है, लेकिन इंडिया में अभी तक ये बाइक नहीं आई है, और मोस्ट प्रोबेबली ये बाइक इंडियन टूलर मार्केट में TNT 300 को रिप्लेस करने वाली है। इंजन के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर 300cc का पैरेलल ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कम्प्लायंट इंजन देखने को मिलेगा, जिसकी मैक्सिमम पावर होगी 38 PS के आसपास। मैक्सिमम टॉर्क होगा 26 Nm के आसपास विद 6-स्पीड ट्रांसमिशन। दोस्तों इस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इस बाइक के अंदर फ्रंट में काफ़ी अच्छी शार्प लुकिंग LED हेडलाइट है, रियर में LED टेल लाइट है और फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है। इस बाइक के बाकी फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर 41mm के प्रीमियम अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स हैं, और रियर में एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर फ्रंट और रियर में सिंगल डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी विद स्टैंडर्ड डुअल चैनल ABS,
और दोस्तों ये बाइक इंडियन टूलर मार्केट में ड्यूक 390 और BMW G310R के साथ डायरेक्टली कम्पीट करेगी। प्राइस के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक का एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम प्राइस है 3,50,000 और दोस्तों ये बाइक इंडियन टूलर मार्केट में 2021 के एंड में लॉन्च होने वाली है। इस बाइक का एक्सपेक्टेड लॉन्च है अक्टूबर 2021। दोस्तों बेनेली की 302S 300cc नेकेड स्ट्रीट फाइटर सेगमेंट के अंदर वन ऑफ द बेस्ट मशीन है, जिसके लुक्स भी काफ़ी अच्छे हैं और इस बाइक के अंदर फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ बाइक के बारे में। दोस्तों फोर्थ नंबर पे है हीरो एक्सट्रीम 300R या फिर इस बाइक का नाम हीरो XF 3R भी हो सकता है। दोस्तों इस बाइक को फर्स्ट टाइम 2016 के ऑटो एक्सपो में शोकेस किया गया था, लेकिन अभी तक ये बाइक मार्केट में नहीं आई है। लेकिन दोस्तों मार्केट में ऐसे रूमर्स हैं कि ये बाइक इंडियन टूलर मार्केट में जल्दी ही लॉन्च होने वाली है। इस बाइक का एक्सपेक्टेड लॉन्च है अप्रैल और मई 2021 और इस बाइक का एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम प्राइस है 2,00,000। दोस्तों 300cc सेगमेंट के अंदर एक्सट्रीम 300R एक डिसेंट बाइक होने वाली है, जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छे प्रीमियम कंपोनेंट्स भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली इस बाइक के अंदर हमें प्रीमियम अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स देखने को मिलेंगे और रियर में एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन होगा। इस बाइक के अंदर फ्रंट और रियर में सिंगल डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगी विद स्टैंडर्ड डुअल चैनल ABS। और दोस्तों इंजन के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर 300cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट इंजन देखने को मिलेगा, जिसकी मैक्सिमम पावर होगी 30-35 PS के आसपास और मैक्सिमम टॉर्क होगा 35 Nm के आसपास विद 6-स्पीड ट्रांसमिशन। इस बाइक के अंदर असिस्ट एंड स्लीपर क्लच जैसे फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। और दोस्तों इलेक्ट्रिकल फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर LED हेडलाइट, LED टेल लाइट, LED DRLs और LED इंडिकेटर्स, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, ये सभी फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बाइक एक वैल्यू फॉर मनी मशीन हो सकती है। सो दोस्तों ये थी फोर्थ नंबर पे हीरो एक्सट्रीम 300R। अब हम बात करते हैं फिफ्थ बाइक के बारे में। दोस्तों फिफ्थ नंबर पे है होंडा CBR 500R। दोस्तों होंडा ने 2020 में ही ये कंफर्म किया था कि वो 500cc सेगमेंट की बाइक्स को इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च करेंगे और CBR 500R के साथ साथ CB500F और CB500X ये सभी बाइक्स भी इंडियन टूलर मार्केट में जल्दी ही लॉन्च होने वाली हैं। सो दोस्तों इस लिस्ट में 6th नंबर पे है होंडा CB500F और 7th नंबर पे है CB500X। दोस्तों होंडा की इन सभी 500cc सेगमेंट की बाइक्स के अंदर सेम इंजन है और ये सभी बाइक्स काफ़ी सारे कंपोनेंट्स और फीचर्स को शेयर करती हैं। इंजन के बारे में अगर बात करें तो इन सभी बाइक्स के अंदर 471cc का पैरेलल ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड DOHC इंजन है, जिसकी मैक्सिमम पावर है 47 PS, मैक्सिमम टॉर्क है 45 Nm विद 6-स्पीड ट्रांसमिशन। दोस्तों होंडा की CBR 500R एक टिपिकल फुली फेयर स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक है, जिसके अंदर काफ़ी अच्छा एरोडायनेमिक एग्रेसिव डिज़ाइन है और इस बाइक का डिज़ाइन और स्टाइल काफ़ी हद तक CBR 650R के जैसा है। दोस्तों होंडा की CBR 650R का BS4 वेरिएंट इंडियन टूलर मार्केट में काफ़ी टाइम पहले ही डिसकंटिन्यू हो चुका है और उस बाइक का भी BS6 वेरिएंट 2021 में या फिर 2022 में मार्केट में देखने को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों CBR 500R का प्राइस CBR 650R से काफ़ी कम रहेगा। इस बाइक के अंदर हमें फ्रंट में ट्विन LED हेडलाइट देखने को मिलेगी, LED टेल लाइट देखने को मिलेगी, LED इंडिकेटर्स होंगे और फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी देखने को मिलेगा। इस बाइक के अंदर फ्रंट और रियर में काफ़ी अच्छे सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर्स भी देखने को मिलेंगे और दोस्तों इस बाइक के अंदर कन्वेंशनल टाइप के टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स हैं और रियर में एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है। इस बाइक के अंदर फ्रंट में काफ़ी अच्छी लार्ज विंड स्क्रीन है, जो विंड ब्लास्ट से काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। दोस्तों होंडा CBR 500R का एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम प्राइस है 5,00,000 और इस बाइक का एक्सपेक्टेड लॉन्च है जून 2021। दोस्तों होंडा की CB500F CBR 500R का ही नेकेड स्ट्रीट फाइटर वेरिएंट है। इस बाइक के अंदर वही सेम इंजन है और इस बाइक का भी सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इस बाइक के अंदर फ्रंट में काफ़ी अच्छी LED हेडलाइट है, LED इंडिकेटर्स हैं, LED टेल लाइट है, LED DRLs हैं और वहीं सेम फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी है। और दोस्तों होंडा की इन तीनों 500cc सेगमेंट की बाइक्स के अंदर असिस्ट एंड स्लीपर क्लच भी है। CB500F एक टिपिकल नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक है। इस बाइक के अंदर भी फ्रंट में कन्वेंशनल टाइप के टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स देखने को मिलेंगे और रियर में एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन होगा। फ्रंट और रियर में सिंगल डिस्क ब्रेक होगी विद स्टैंडर्ड डुअल चैनल ABS। दोस्तों इस बाइक का भी एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम प्राइस है 5,00,000 और इस बाइक का भी एक्सपेक्टेड लॉन्च है जून और जुलाई 2021। सेवंथ बाइक है होंडा की CB500X। दोस्तों होंडा की CB500X एडवेंचर टूर टाइप की मशीन है। इस बाइक के अंदर CBR 500R वाला सेम इंजन है और वहीं सेम कंपोनेंट्स और सेम फीचर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों इस बाइक के अंदर सिंगल सीट है और काफ़ी अच्छी लार्ज विंड स्क्रीन है, जैसी हमें एडवेंचर टूरर बाइक्स के अंदर देखने को मिलती है। दोस्तों इस बाइक का एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम प्राइस है 5,50,000 और इस बाइक का भी एक्सपेक्टेड लॉन्च है जून 2021। ये बाइक इंडियन टूलर मार्केट में KTM एडवेंचर 390 के साथ डायरेक्टली कम्पीट करेगी और दोस्तों इस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसके अंदर काफ़ी कंफर्टेबल अपराइट राइडिंग पोस्चर है और इस बाइक के अंदर भी LED हेडलाइट, LED DRLs, LED इंडिकेटर्स और फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं।
इस बाइक के अंदर भी हमें स्टैंडर्ड डुअल चैनल ABS देखने को मिलेगा और टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स देखने को मिलेंगे, एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगा और वहीं सेम फ्रंट और रियर में सिंगल डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगी। सो दोस्तों, ये थी होंडा की अपकमिंग 500cc सेगमेंट की बाइक्स जो इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च होने वाली हैं। अब हम बात करते हैं 8th बाइक के बारे में। दोस्तों 8th नंबर पे है कावासाकी Z400। दोस्तों कावासाकी की Z400 एक टिपिकल नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक है जिसके अंदर काफ़ी अच्छा एग्रेसिव डिज़ाइन है। दोस्तों इस बाइक का भी हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं जो इंटरनेशनल टूलर मार्केट में काफ़ी टाइम से अवेलेबल है, लेकिन इंडिया में अभी तक ये बाइक लॉन्च नहीं हुई है। दोस्तों इस बाइक का एक्सपेक्टेड लॉन्च है December 2021 और इस बाइक का एक्सपेक्टेड एक शोरूम प्राइस है 4 लाख। फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर कन्वेंशनल टाइप के टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स हैं, रियर में एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है। इलेक्ट्रिकल फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर काफ़ी अच्छी शार्प लुकिंग LED हेडलाइट है विद LED DRLs, LED टेल लाइट है और फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी है। दोस्तों इस बाइक के अंदर फ्रंट और रियर में सिंगल डिस्क ब्रेक है विद स्टैंडर्ड डुअल चैनल ABS। कावासाकी Z400 के अंदर काफ़ी कंफर्टेबल अपराइट राइडिंग पोस्चर है और इस बाइक के ओवरऑल फीचर्स और कंपोनेंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। इंजन के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर 399cc का पैरेलल ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड DOHC इंजन है जिसकी मैक्सिमम पावर है 44 PS, मैक्सिमम टॉर्क है 38 Nm विद 6-speed ट्रांसमिशन। इस बाइक का वेट है 167 kg और इस बाइक के अंदर 41mm के कन्वेंशनल टाइप के टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स हैं और इस बाइक का डिज़ाइन और स्टाइल काफ़ी हद तक कावासाकी Z650 और Z900 से इंस्पायर्ड है और दोस्तों सेगमेंट के अकॉर्डिंग Z400 की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। सो दोस्तों ये थी 8th नंबर पे कावासाकी Z400। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बाइक के बारे में। दोस्तों 9th नंबर पे है KTM RC200 का 2021 मॉडल। दोस्तों KTM RC200 का नेक्स्ट जनरेशन मॉडल काफ़ी बार इंडियन रोड्स पे स्पोर्ट हो चुका है और इस बाइक की टेस्टिंग काफ़ी टाइम से चल रही है। दोस्तों इस बाइक के अंदर हमें वही सेम इंजन देखने को मिलेगा जो 199.5cc का लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड DOHC इंजन होगा जिसकी मैक्सिमम पावर होगी 25 PS, मैक्सिमम टॉर्क होगा 19.2 Nm विद 6-speed ट्रांसमिशन। इस बाइक के अंदर हमें वही सेम कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन दोस्तों इस बाइक के अंदर हमें न्यूली डिजाइंड LED हेडलाइट देखने को मिलेगी विद LED DRLs और KTM ने इस बाइक के फ्रंट लुक को काफ़ी चेंज कर दिया है। सो इस बाइक के अंदर हमें न्यूली डिजाइंड LED हेडलाइट देखने को मिलेगी जिसकी वजह से इस बाइक का फ्रंट लुक पहले से काफ़ी डिफरेंट होगा और इस बाइक के अंदर हमें कुछ न्यू फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं। इस बाइक के अंदर न्यूली डिजाइन TFT डिस्प्ले वाला फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों इस बाइक के अंदर वही सेम प्रीमियम अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स देखने को मिलेंगे, रियर में एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन होगा, वहीं सेम फ्रंट और रियर में सिंगल डिस्क ब्रेक होगी विद स्टैंडर्ड डुअल चैनल ABS। दोस्तों KTM की RC200 एक टिपिकल फुली फेयर स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक है और इस बाइक के अंदर हमें वही सेम एग्रेसिव राइडिंग पोस्चर देखने को मिलेगा। और दोस्तों इस बाइक के प्राइस के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक का एक्सपेक्टेड एक शोरूम प्राइस है 2,10,000 और इस बाइक का एक्सपेक्टेड लॉन्च है April 2021। 10th बाइक के बारे में अगर बात करें तो वो है KTM RC390। दोस्तों KTM RC200 और RC390 इन दोनों बाइक्स के अंदर फ्रंट में सेम डिज़ाइन देखने को मिलने वाला है। KTM ने RC390 का भी फ्रंट डिज़ाइन काफ़ी चेंज कर दिया है और इस बाइक के अंदर भी फ्रंट में न्यूली डिजाइंड LED हेडलाइट देखने को मिलने वाली है जिसके अंदर LED DRLs भी होंगे। सो इस बाइक के अंदर न्यूली डिजाइंड फ्रंट लुक देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों इस बाइक के अंदर वही सेम कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे जो फ्रंट में अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स होंगे, रियर में एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन होगा, फ्रंट और रियर में सिंगल डिस्क ब्रेक होगी विद स्टैंडर्ड डुअल चैनल ABS और दोस्तों इस बाइक के अंदर हमें TFT कलर डिस्प्ले वाला फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी देखने को मिल सकता है, लेकिन इस बाइक के अंदर वही सेम एग्रेसिव राइडिंग पोस्चर देखने को मिलेगा और इस बाइक का डिज़ाइन और स्टाइल पहले से भी ज़्यादा एग्रेसिव देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों ये तो कन्फर्म हो चुका है कि इस बाइक के अंदर हमें न्यूली डिजाइंड LED हेडलाइट देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों इस बाइक के अंदर वही सेम सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिलेंगे और स्पोर्टी एग्जॉस्ट सिस्टम देखने को मिलेगा, लार्ज विंडस्क्रीन देखने को मिलेगी जो विंड ब्लास्ट से काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। साथ ही इस बाइक के अंदर हमें न्यूली डिजाइन बॉडी ग्राफिक्स और न्यू कलर स्कीम भी देखने को मिल सकती है। प्राइस के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक का एक्सपेक्टेड एक शोरूम प्राइस है 2,70,000 और इस बाइक का भी एक्सपेक्टेड लॉन्च है April 2021। सो दोस्तों ये थी टॉप 10 बेस्ट अपकमिंग बाइक्स जो इंडियन टूलर मार्केट में 2021 में लॉन्च होने वाली हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।